8 अगस्त को संडे को इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर वो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें नेशनल दस्तक के एक पत्रकार के साथ में वर्बली लिंच करने की कोशिश की गई। आज उसी के विरोध में और जिस तरह से एक समुदाय विशेष को खुलेआम काटने के नारे लगाए गए उसी के विरोध में कॉल दी गई थी। अभी कुछ साथियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, कुछ समाजसेवी लोग, कुछ पत्रकार, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में, अभी इधर दिखाइए, यहाँ पर लोकल जर्नलिस्ट अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जो है अभी यहाँ से निकल चुकी है। हमारे साथ में अनमोल प्रीतम है, नेशनल दस्तक के रिपोर्टर हैं, जिनके साथ में वो सब कुछ हाथापाई हुई थी। अनमोल, आज कॉल भी दी गई थी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से वो 8 तारीख का माहौल था, पुलिस मौजूद थी उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ, और आज अगर पत्रकारों की तरफ से, समाज सेवियों की तरफ से अगर कॉल दी गई है तो कोई यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा? बिल्कुल, इस देश में सबको डेमोक्रेटिक राइट है कि वो गैदर हो सकें, प्रोटेस्ट हो सके। इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को इजाज़त देता है, और अगर वो किसी इशू को लेकर इकट्ठे होते हैं और सरकार की नज़र में कोई बात लाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा इशू है, खासकर इस इशू में अगर उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है और वो इससे जुड़े सवालों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल करने देना चाहिए और पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनकी आवाज़ तो कम से कम सुननी चाहिए। दिल्ली पुलिस आज जितनी एक्टिव नज़र आ रही है, अगर ये 8 तारीख को संडे को जिस दिन आप भी यहाँ पे थे, अगर उतनी एक्टिव उस टाइम होती, उस समय काटने के नारे चल रहे थे, तो इतना सब कुछ नहीं होता? बिल्कुल, जिस हिसाब से, जैसा कि मीडिया में भी है, बहुत सारी खबरें हैं कि जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है पहले अननोन के खिलाफ FIR रजिस्टर की और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की, तो दिल्ली पुलिस को अगर इस हिसाब से एक्टिव होती जिस वक्त ये नारे लग रहे थे, तो फिर ये चीज़ इतनी ना बिगड़ती। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को उस वक्त भी इतना एक्टिव होना चाहिए था। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये घटना हुई है, कल आपके साथ में भी हुई है, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक पत्रकारों को भी डराने की कोशिश है? क्योंकि जिस तरह से लगातार जो YouTube चैनल हैं, छोटे चैनल हैं जो कवर कर रहे हैं ग्राउंड पर, उनको भी वहाँ पर थ्रेट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये माहौल तैयार हो रहा है? देखिए, डराने की जहाँ तक कोशिश है तो अब डरा तो कोई भी नहीं सकता, क्योंकि इस पैसे को चुने हैं तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में हर किसी को उसके काम करने की आज़ादी दी जाए, उसके विचारों को रखने की आज़ादी दी जाए। और जब भी मेरे जैसा पत्रकार, मैं तो बहुत ही कम अनुभव रखता हूँ जर्नलिज्म में, लेकिन जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं गांव कस्बे में जो लोग जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उन सब लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और इस तरह से कहीं भी अगर कुछ होता है तो पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई करके एक मिसाल पेश की जानी चाहिए, ताकि ऐसा करने वाले बाकी लोगों का मनोबल ना बढ़े, बल्कि लोग ऐसा करने से पहले सोचें और उनको मजबूर होना पड़े कि किसी पत्रकार या किसी भी आम सिटीजन को अपने विचार रखने से पहले इस तरह हेकल तो ना करे कोई। ये जो रविवार की जो घटना हुई, उसके बाद में पुलिस की तरफ से आपको कोई कॉल दी गई, आपको कहीं पे बुलाया गया, या किसी और संगठन की तरफ से आपको कुछ कॉल दी गई, कुछ धमकाया गया? नहीं, किसी तरह की कोई, सोशल मीडिया को छोड़ दे कमेंट वगैरह को, तो ऐसे किसी ने कॉल तो नहीं किया मुझे, और ना ही पुलिस ने मुझसे अभी तक कॉन्टेक्ट किया है। हालांकि इससे जुड़े जो भी लीगल चीज़ें हैं वो सब कुछ हमारा चैनल देख रहा है, वो सब समझ रहा है चीज़ें। हाँ, वो देखिए, अनमोल हैं हमारे साथ में और नेशनल दस्तक के साथी पत्रकार हैं, और जिस तरह की वो घटना हुई संडे की, जो घटना हुई, आपने वो वीडियो वायरल वीडियो देखी होगी, हमने भी दिखाई है, तो सवाल यही है कि उसके खिलाफ अपना एक विरोध दर्ज करवाना ज़रूरी है, भले ही संख्या कम है। देखिए, संख्या नहीं है, ये सच्चाई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक माहौल दिख रहा था, उस तरह से लोग यहाँ पर नहीं आए, ये सच है, लेकिन फिर भी कुछ एक साथी पत्रकार यहाँ पर हैं, लोकल इंडिपेंडेंट जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो संडे को जो घटना होती है, क्योंकि पत्रकारों के साथ में आप भी ग्राउंड पर लगातार कवर कर रहे हैं यूपी इलेक्शन भी? जी बिल्कुल, हम ग्राउंड पर लगातार कवर कर रहे हैं, और जो इस तरह की घटना हुई है, सबसे पहले तो ये, इसको हम कह सकते हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं उसको जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावों का ग्राउंड बनाया जा रहा है। चुनाव बड़ी बड़ी स्टेटों में है, यूपी में है और पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, तो इस तरह, क्योंकि भाजपा की राजनीति सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब तक वो इस तरह की राजनीति नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम को लेके, या भड़काऊ बयान नहीं देगी, तो उनकी राजनीति नहीं चल सकती। तो ये सारा अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं से को चुनाव से रिलेटेड कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी लापरवाही हम कहें तो दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं आती है, कि दिल्ली पुलिस के सामने बिना परमिशन के इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हो जाता है, बिना परमिशन के लोग इतने सारी गैदरिंग हो रही है, और उस वक्त में जब कोरोना में 144 धारा लगी हुई है और पुलिस उसको होने दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही आती है पुलिस की, कि पुलिस ने इतना कैसे होने दिया।
और फिर दूसरा पत्रकारों को भी रोका जा रहा है, पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो, आप कौन सी मीडिया से हो, यानी कि पत्रकारों के साथ वो शुरू किया जा रहा है कि पत्रकारों से पहले पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह के भी आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए ये पत्रकारों के साथ किया जा रहा है, सब पत्रकार खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन ये खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है इनसे, पत्रकार जबकि साइड में खड़े हैं और पत्रकारों को जबरदस्ती रोका जा रहा है, क्योंकि एक माहौल ये बन गया है कि किस तरह की न्यूज़ दिखानी है उस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। और जिस तरह के नारे लगाए कि सांप्रदायिक नारे लगे थे कि मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, एक्शन तो जाहिर सी बात है वीडियो में साफ दिख रहा है, बड़े बड़े नेता हैं, फिल्म स्टार वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने नारे लगाए लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया। पीछे एक बार तस्वीर आप जरा दिखाइए कि ज़्यादातर जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद में अभी कुछ जो साथी यहाँ पर पत्रकार साथी यहाँ पर बचे हुए हैं उनको भी जो है वो पुलिस यहाँ से हटा रही है। तो सवाल यही है कि भले ही संख्या कम रह गई हो, उतने संख्या में लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी लोग आए हैं, पत्रकार साथी आए हैं और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है और ये ज़रूरी भी था। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके विरोध में अगर आप आकर के ना कहें कि ये गलत हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं जो है फिर हम भी गलत हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। बहरहाल सवाल यही है कि ये जो घटना हुई है क्या ये घटना आखिरी हो पाएगी, रविवार को जो कुछ इस रोड पर हुआ क्या वो घटना आखिरी हो पाएगी या ये एक शुरुआत है, सवाल ये है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।